कि जनाबी जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ये रतलाम के आंबा की है। ये दाढ़ी कटवाता हुआ मुस्लिम शख्स जिसका नाम मोहम्मद था अब रामसिन हो चुका है। इनके खानदान के 18 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसके पीछे की वजह किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक न्यूज़ अखबार ने निकाली है। इनका शुद्धिकरण गौमूत्र गोबर से किया गया। जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो की। जनाब आज से 8-10 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे अंधभक्तों द्वारा व गोदी मीडिया पे बड़ा दिखाया जा रहा था कि रतलाम के आंबा में एक खानदान के 17 से 18 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म कबूल कर लिया। ये बात सच है, ये बात 1% की भी झूठ नहीं है। लेकिन ये जो आपके बगल में शख्स दिख रहा है जो अपनी दाढ़ी कटवा रहा है उसका नाम पहले मोहम्मद था और अब उसका नाम हो गया राम सिंह। इसके खानदान के औरतों ने, नाबालिग बच्चों ने और भी लोगों ने, बगल में एक कथा सुनाई जा रही, वहां पर जो औरतें बैठी उसमें कई औरतें मुसलमान भी है, कहा यह जा रहा है कि इन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद गौमूत्र और गोबर से स्नान किया और उसके बाद अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को लात मारकर अब उन्होंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। अब इसके पीछे की वजह आपको और हमको नहीं पता। इसके पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि बाबू भैया रोटी कपड़ा और मकान है इसके पीछे की वजह। ये जो खानदान था, ये लोग थे 18 से 19 लोग, ये लोग गरीबी में एकदम न्यूनतम तबके में बिल्कुल नीचे मांग कर कूड़ा बीन कर गुजर बसर कर रहे थे। इन लोगों को इस्लाम का ई भी नहीं मालूम था। आप जानते हैं ये लोग जो है ना कुरान पढ़े, ना कलमा पढ़े, ना नमाज पढ़े, ये सिर्फ नाम के मुसलमान थे। लेकिन इनको इतना बड़ा मीडिया कवरेज करके दिखलाया गया कि देखो 18 से 19 लोगों ने अपने घर में वापसी कर दी, ये कर दी और अपने अपने रियल जगह पे वापस आ गए इनसे। और ये बताया गया है, तर्क में ये दिया गया कि कम से कम 3 पीढ़ी पहले ये लोग नॉन मुस्लिम थे, फिर उसके बाद ये लोग मुस्लिम हो गए। जो इंसान मुस्लिम होता है वो कलमा, नमाज, कुरान, जकात हर चीज करता है, ये लोग कुछ नहीं करते थे। इनको तो कलमा भी नहीं पता था। और जब ये सब हो रहा था, ये शुभ काम चल रहा था, तो हमारे देश में जो गोदी मीडिया में जो डिबेट होती है उसमें जो मुस्लिम प्रवक्ता मुसलमानों के धर्म गुरु बनकर जो बाण के तरीके लड़ते हैं कुत्तों के तरीके, उन लोगों के ऊपर ये सब कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, उनके कान में जुए नहीं रहूंगी। उनको तो सिर्फ गोदी मीडिया की TRP बढ़वाना था। चलिए इसके आगे मैं बताती हूँ। जिस वक्त ये सब हो रहा था, जब ये दुनिया वालों के सामने आया, तो जो हराम का है, लोग मदरसे का चंदा खाते हैं, कुछ लोग हैं, ज्यादा लोगों को तो नहीं कहूंगी मैं क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो वो लोगों को जाके पता लगाना चाहिए था आखिर वजह क्या थी, क्यों मोहम्मद ने राम सिंह बना, क्यों उसके घर की औरतों ने इस्लाम छोड़ा, क्यों उसके नाबालिग लड़का क्यों मुसलमान नहीं सनातनी बना। ये वक्त उन लोगों के पास नहीं था, ये वक्त तो मुफ्त का चंदा खाने का था, मदरसा में योगा कराने का था। और हमारी जाफरानी जमात इस पर डिबेट हो रही थी, इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे थे कि योगा इस्लाम में शिर्क है कि नहीं है। देश के मुसलमान अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच दैनिक भास्कर जो एक न्यूज़पेपर, उसका पत्रकार वहां पर गया, फिर वहां पर लोगों से उनकी राय मांगी कि भाई क्यों तुमने छोड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप साइड में देखिए पहले। ना तो हिंदू धर्म के मायने मालूम है, ना वो इस्लाम को समझते हैं, ना गीता को समझते हैं, ना कुरान को समझते हैं। रतलाम के आंबा में रहने वाले इन लोगों के घर के हालात बताते हैं कि ये किन परिस्थितियों में जीने को मजबूर है। ये भीख मांग कर या छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते हैं। दैनिक भास्कर को बात करते हुए इस खातून ने बताया कि इस औरत को बताया गया कि सरकार इन्हें सुविधा देंगी और इनको मकान दिया जाएगा, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। कि जनाब आपने दैनिक भास्कर की बात सुन ली है, तो अब इनको जो गोबर गौमूत्र से इनको स्नान कराकर, इनका पवित्र कर इनका धर्म परिवर्तन कर इनका नाम का परिवर्तन करने वाले स्वामी जी की 2-4 बातें सुन लो। और चलते शिव पुराण में उन लोगों का भावना जगा और वो लोग कहने लगे कि हम बहुत सताए जा रहे, हमारी पीढ़ियां परेशान हैं, हम पूर्व से जिस धर्म में रहे उस धर्म को धारण करना चाहते हैं, किसी का नाम मोहम्मद, किसी का और किसी का और, इसी प्रकार के पृथक पृथक नाम रहे। तो उन लोगों का ऐसा आग्रह रहा
उन्होंने अपना आधार कार्ड वोटर आईडी के साथ में शपथ पत्र एफिडेविट करवा के यहाँ दिया और सारी समाज के सामने सनातन धर्म को उन लोगों ने स्वीकार किया और उनका यज्ञ पवित्र हुआ, उनका नामकरण भी हुआ। आज पूर्णाहुति का दिन था और इसी के उपलक्ष्य में उन लोगों ने वापस अपनी घर वापसी की और सनातन धर्म को उन लोगों ने स्वीकारा। कि जनाब अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जनाब अगर किसी को भुखमरी है, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाने चाहिए कि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें मकान मिलेगा, तुमको ऐसा मिलेगा, तुमको वैसा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? जो लोग किए वो अपनी मर्जी से किए, उनके अपने हालात थे, उनकी अपनी बात थी, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे जो हमारे देश में चंदा आता है, जो लोग हराम का चंदा खाते हैं वो लोग थोड़ा सा ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान दे। जो लोग गरीब है, जो मुसलमान गरीब है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनकी कृपया करके मदद जरूर करें। हक की आवाज उठाने में मेरी मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।